भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो रेट को 0.50% बढ़ाकर 4.90% करने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी। दास ने कहा कि यूक्रेन और रूस की जंग से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, हालांकि उन्होंने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। दास ने कहा, हम मुद्रा स्फीति को अपने लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। महंगाई दर मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 क्वार्टर्स में 6% से ऊपर बने रहने की आशंका है। शहरी मांग सुधर रही है, ग्रामीण मांग में भी धीरे धीरे सुधार आ रहा है। इससे पहले एक्सपर्ट्स ने नीतिगत दरों में 0.25% से 0.50% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। विशेषज्ञों का कहना था कि मुद्रा स्फीति लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, ऐसे में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों में 0.25% से 0.25% की एक और बढ़ोतरी कर सकती है। आरबीआई ने पिछले महीने भी अचानक रेपो रेट और सीआरआर में बढ़ोतरी कर सबको हैरान कर दिया था। रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया था, जबकि सीआरआर में भी 0.50% की वृद्धि की गई थी। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक को लोन देता है। आरबीआई की ओर से इसकी दर बढ़ाने का सीधा मतलब है कि बैंकों को मिलने वाले कर्ज की दर बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर ग्राहकों को मिलने वाले हर तरह के लोन पर होगा। इसका सीधा मतलब है कि ऑटो लोन, होम लोन सब महंगे हो जाएंगे।